अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख सकते हैं आज मौसम की सूरत हाल जैसी है कि बादल ही बादल हैं और कल बारिश भी है, मतलब ये पूरा वीक या बारिश है। तो मुर्गे हमारे जल्दी चले जाएंगे, एक रहेगा दो चले जाएंगे। रिंगने को और मिट्टू को भी बाहर निकाले हुए, आज ऐसा करना है कि इन सब के जो पानी वाले पॉट्स हैं वो साफ़ करने हैं, इनके केज साफ़ करने हैं, क्योंकि कल है बारिश और बारिश में फिर ऐसे कीचड़ मचेगा कि समझ ही नहीं आएगी कि क्या करूं अब। और आज पैरेट के बच्चे भी देखेंगे और डव का भी, काफ़ी टाइम हो गया। पहले ऐसे करते हैं कि सफाई करते हैं, छत की भी करनी है और केज की भी। कॉलोनी छोड़ देंगे अभी, कॉलोनी में इतना वो नहीं है, कॉलोनी इसी तरह ही रहने देंगे। पानी इनका चेंज करना है, तो काम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और पिजन्स को खोल भी देते हैं साथ साथ। बिल्ली का बहुत ख़तरा रहता है कि कब आ जाए और कब इनको मतलब कि हमला कर दे। कल भी मैं ऊपर आया तो बिल्ली एक बैठी हुई थी, इसीलिए हम ये जगह पूरी अभी बंद करवा देंगे जब इनका केज बनेगा। लेट्स सी कब होता है ये काम। सफाई शुरू करते हैं। छत आप देख सकते हैं साफ़ सुथरी हो चुकी है, अब बारी है कॉलोनीज की। तो स्क्रैप पर वो पड़ा हुआ है, तो पहले जो छत पे गंद है वो हम इकट्ठा करके शॉपर में डाल देते हैं, फिर अंदर चलते हैं। पिजन्स जब तक दाना वगैरह खा लेंगे, क्योंकि हवा भी अब चलना शुरू हो चुकी है, हवा में ही उड़ सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम चलेंगे मुर्गों वाली जगह पे, उनका केज वगैरह साफ़ करेंगे, फिर मिट्टू का केज साफ़ करना है, कॉलोनी में जो थोड़ा बहुत है वो भी साफ़ कर देते हैं। अंदर अंदर आप गंद देख सकते हैं कितना ज़्यादा हो गया, तो बारी बारी ये सारा साफ़ करते हैं, फिर एंड बच्चे भी देखेंगे किसके कितने हो गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया था, कल ही बता दिया था कि दूसरा बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा, और आप देख भी सकते हैं कि वो मर चुका है। तो ऐसा करते हैं इनके नेस्ट भी थोड़े थोड़े आज साफ़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा गंदे हुए हैं। तो काम शुरू करते हैं जल्दी से। दूसरा बच्चा इनका मर गया, वो बहुत छोटा था तो इसी के नीचे ही आके मर गया वो। सकते हैं कि अंदर से सारी सफाई हो चुकी है, सारे मैंने केज साफ़ कर लिए, मतलब अंदर से, और घर इनके थोड़े थोड़े मैंने साफ़ कर लिए, बहुत ज़्यादा गंदे थे। अब बाकी बाहर की सफाई करते हैं, उनका दाना डालते हैं फिर। तो माशाल्लाह से एक ये बच्चा देख सकते हैं, ये नया प्यार लगा है हमारा, ये भी अंडे देने वाला है अब। ये फीमेल पहले वाइट के साथ लगी हुई थी, और ये जो मेल था इसका पहले फीमेल थी जो ब्लैक थी, वो दोनों चले गए। तो इनका हमने पेयर लगा लिया अब, और ये भी अंडों पर बैठा हुआ है मेल, ये फीमेल भी बैठी हुई है। इसका एक बच्चा है, ये देखें, इन्हें भी एक ही निकाला है, और ये भी एक ही बच्चा है, और इसने भी एक ही बच्चा निकाला है। इस दफ़ा पता नहीं क्या हुआ, सबने एक एक ही बच्चा निकाला है। तो देखते हैं अब ये पाल सकते हैं कि नहीं। और ये ब्लैक बैठी हुई अंडू पे, मेल है मेरे ख्याल से, फीमेल बाहर है। तो अब बाहर की सफाई करते हैं जल्दी से। सफाई मैंने कर ली है, देखें अंदर से भी बाहर से भी केज बिल्कुल चमक लशक रहा है, साफ़ सुथरा हो चुका है। और अब करते हैं मुर्गों के केज की सफाई। तो मुर्गों को केज की सफाई करने के लिए मुझे इनको खोलना पड़ेगा बारी बारी। पिजन आप हमारे देख सकते हैं कि ब्लैक वाला बेबी फिर भी थोड़ा सा ठीक है, वाइट वाला बहुत ज़्यादा बीमार है, मुझे नहीं लगता है बच्चे का। सारी मेडिकेशन कर चुका हूँ, पर अब जो अल्लाह को मर्जी है वो तो कोई भी नहीं बदल सकता। तो अब जल्दी से इनके केज साफ़ करते हैं। साफ़ करने के लिए मैंने मुर्गों को खोला, और मुर्गे आपस में लड़ना शुरू हो गए दोनों। ये देखें, नहीं लड़ना आपने। तो बड़े मुर्गे का जल्दी केज साफ़ करते हैं, उसको बंद करते हैं, नहीं तो ये आपस में लड़ लड़ के एक दूसरे को मारेंगे और ज़ख्मी कर देंगे। ये बड़ा लड़ाका है ये, हेलो मिस्टर। तो जल्दी काम करते हैं, ये तीनों मैंने खोले और आपस में ये लड़ना शुरू हो गए हैं, जल्दी से इनको अलग करते हैं। ये देखें, ज़ख्मी कर देंगे एक दूसरे को, ये देखें। तो केजेस की सफाई मैंने कर दी है, दोनों मुर्गों को बंद कर दिया, पानी इनका मैंने पॉट्स निकाले हुए, धोते हैं इनको, साफ पानी डालते हैं। तीसरा ये खुला हुआ अंदर है, इसको भी बाहर निकालते हैं और बंद कर देते हैं। चलो भाई बाहर चलो, चलो जाओ घर में, चलो अपने अंदर, चलो अंदर। तो ये भी अंदर चला गया। आप ऐसा करते हैं कि इनके पॉट्स धो लेते हैं, कबूतर सारे इंतज़ार करें दाने का। तो इनके पॉट्स धो के फिर इनको पानी डालते हैं, दाना भी डालते हैं। ये देखिए, बड़े मुर्गे को आजकल बड़ी मस्ती चढ़ी हुई है। तो बहुत ही मुश्किलों से मैंने मुर्गों को बंद किया, दाना वगैरह भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया, इनको आराम से अंदर खाते रहेंगे। पिजन्स को भी मैंने दाना पानी डाल दिया, वाइट वाले बच्चे का तो अब बहुत थोड़ा टाइम रह गया, मरने वाला है वो शायद। तो अब क्या कर सकते हैं, सब कुछ मैंने कर लिया था। मिट्टू और रिंगने का केज मैंने साफ़ कर दिया, जैसे सारी सफाई कर दी है। तो अब इनका खाना लेके आए हो, तो मिट्टू को डालते हैं रोटी। अब पहले लवबर्ड को खाना डाल देते हैं, फिर बाकी इनको डालते हैं। लवबर्ड को खाना और पानी डाल चुका है, और रिंगने को अब फीड डाल देते हैं। पहले तो रोटी डाली, अब फीड डालते हैं। पानी भी इसका मैंने आज फ्रेश डाला है, इसको धो के, इसका मैं पॉट साफ़ किया, काफ़ी गंदा हुआ, उसे काफ़ी टाइम हो गया था।
तो मिट्टू का तो गंदा ही है, इसका केस साफ कर दिया पर पॉट गंदा है इसको। अभी जब नीचे लेके जाएंगे तब धोएंगे और ताज़ा पानी डालेंगे इसको। इसको मैंने सीड्स डाल दिए हैं रिंगनेक को। अच्छा अच्छा डाल रहा हूँ खबर, मिट्टू कह रहा मुझे भी सीड्स डाल दो, तो मिट्टू को भी डाल दिया मैंने। तो अब हम चलते हैं कॉलोनी की तरफ, उधर से भी पॉट्स धोने और उनको खाना डालना है। तो ऐसा करते हैं कि पहले पॉट्स निकाल के धो देते हैं फिर इनको खाना डाल देता हूँ मैं। और आज बच्चे भी चेक करने कितने बड़े हो चुके हैं इनके, मैंने धो दिए, अब पानी डालने लगे इनको। पानी डालने के बाद इनको फीड डालते हैं। तो पानी भर चुका है, पिजन को भी मैंने डाल दिया साफ पानी। आज सारे बर्ड्स को ही तकरीबन मैंने सारे पॉट्स धो के पानी डाला ताज़ा। इनको डालते हैं पानी अब। पानी डाल चुका है, अब बारी इनके खाने की। और फिर अंदर जाके मैंने चेक भी करना है बच्चे डॉग्स के भी और पैरेट्स के भी। आ जाओ जी, दाना डल रहा है, शोर डाला हुआ था कब से। तो दोनों प्लेट्स में डाल देता हूँ इनको ताकि आराम से खाते रहे। खाना खत्म होने वाला है तो अब मैं इनके लिए दूसरा खाना लेके आऊँगा। ये वाला मुझे भी सही नहीं लगा और इनको भी नहीं सही लगा। दाना में इनको डाल दिया है, डव एक जख्मी है, जरा अंदर जाके चेक करते हैं उसको भी क्या हुआ है और बाकी बच्चे भी देखते हैं। ये वाली डव काफी ज्यादा जख्मी हुई हुई है, इसको पकड़ते हैं और देखते हैं क्या हुआ है इसको। खून निकल रहा है इसको, आपस में लड़ते भी तो बहुत हैं। तो मेरे हाथ से इस दफा डव ने भी एक ही बच्चा ही निकाला है। दिखाओ, दिखा दो, वो देखें एक ही बच्चा है इनका भी। और अब पैरेट्स का देखते हैं। तो इसके तीन बच्चे हैं माशाल्लाह से और तीनों पल रहे हैं अभी तक। बाकी ये तो खाली हो गई है मटकी, अंडे पता नहीं किधर गए इधर से। और यहाँ पे अंडे हैं, यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। तो मतलब अभी ये आहिस्ता आहिस्ता बच्चे निकालेंगे, पर माशाल्लाह से वो जो तीन बच्चे हैं वो अभी तक ज़िंदा ही हैं। अब मुझे लगता है पाल लेगी। तो ये देखें पिजन्स को हमारे देखें आराम नहीं, क्योंकि इनको अभी तक मैंने दाना नहीं डाला सुबह का। तो ये इस वजह से मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं कि दाना डाल दो भैया हमें। बस सारा काम ख़त्म हो गया, अब आपकी बारी है, सारे आज इकट्ठे हो जाओ एक जगह पर। तो अब ऐसा करते हैं कि डब्बा फुल करते हैं। डब्बा फुल हो चुका है, अब बारी है पिजन्स के दाने की। आ जाओ सारे, आ जाओ। दाना मैंने इनको डाल दिया है। बाकी आधे शायद उधर अंदर हो तो उनको भी निकालते हैं उधर से कि दाना डल के आ जाओ बाहर। इधर तो कोई भी नहीं है। और मुर्गों का एक कपड़ा नीचे कर देते हैं। तो मुर्गों का ये जो कपड़ा था ये मैंने नीचे कर दिया है। और पिजन्स तकरीबन हमारे सारे ही नीचे उतर आए हैं। दाना मैंने इनको डाल दिया हुआ है। ये इन बच्चों को देखिए, ये दोनों नए बच्चे हैं। ये तीन ऊपर रह गए हैं, देखते हैं कब तक उतरते हैं ये भी दाना खाने के लिए। और इस साइड पे हमारे पैरट्स वगैरह भी नीचे उतरे हैं, दाना वगैरह खा रहे हैं। फिंच भी नीचे ही है। समझ नहीं लग रही कि डब को किसने मारा होगा। वो देखें किस तरह चुप होके बैठी हुई है, वो वाली जी। काफी खून निकल रहा था, अभी तो खून नहीं निकल रहा। पर ये देखे स्टिक पे भी लगा हुआ है।
जहाँ पे वो बैठी हुई है। खैर ठीक हो जाएगी खुद ही, वो भी पैरट्स के साथ पंगे लेते हैं तो वो काटते होंगे इनको। ये दो बैठी हुई हैं। साइज़ आप चेक करें, फीमेल का और मेल का किसका पता चलता है? ये वाली फ़ीमेल और साथ वाला मेल है, और वो वाला भी मेल है मेरे ख्याल से। इनके साइज़ से ही पता चल जाता है कौन सी फ़ीमेल है कौन सा मेल है। अब सारे पिजन फिर उस तरफ जा रहे हैं। इस तरफ क्या है, क्या है इस तरफ, ज़रा मुझे बता दो, मैं भी खा लूँ इस तरफ आके। तो सारे दाना वगैरह खा रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी से केज का काम होगा तो हम और ज़्यादा बर्ड्स लेके आएंगे। मैंने तो अभी काफ़ी बर्ड्स मतलब सोचे हुए हैं, तो वो सरप्राइज़ होगा आप लोगों के लिए। तो जब मैं लेके आऊँगा तभी मैं दिखाऊँगा, पहले मैं नहीं बताऊँगा बिल्कुल भी। तो इनको क्या हुआ, एक क्यों शोर डाल रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, क्यों शोर करो? ये देखें नहा रहे हैं इधर। बीमार हो जाओगी, नहाना नहीं है आपने। इसको और दाना डालते हैं, अंदर डालते हैं ताकि सारे अंदर चले जाएं और मुझे तंग ना करें। तो दाना मैं हाथ में डाल के ले आए हो तो अंदर डालते हैं, देखना सारे अंदर चले जाएंगे। दाना मैंने अंदर डाला है, आप देखते हैं ऐसा ऐसा सारे जाना शुरू हो गया, उनको पता चलता जा रहा है कि अंदर मैंने दाना डाल दिए। अंदर देखो, अंदर मैंने दाना डाले हुआ, देखो सारे खा रहे हैं। चलो चलो अंदर सारे, अब बारी बारी सारे अंदर चले जाएंगे। चलो 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 अंदर देखो, दाना डला है वो, देखो अंदर, देखो अंदर देखो ना, देखो अंदर दाना। चलो 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 शाबाश, अंदर दाना डला हुआ है अंदर। चलो अंदर शाबाश। तो ऐसे ऐसे सारे जा रहे हैं, ये बच्चे जो है ना ये सारा काम ख़राब करते हैं। तो इनको थोड़ा सा इधर में कर लूँ। चलो अंदर अंदर दाना डला हुआ है अंदर। चलो 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 अंदर, चलो शाबाश, चलो 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 चलो। सारों को मैंने अंदर बंद कर दिया दाना डाल के। इनके साथ ऐसे ही करना पड़ता है, जब इनका पेट फुल होता है फिर तो ये बात ही नहीं मानते और हाथ ही नहीं आते। जब इनको भूख लगी होती है तब इनसे आप जो मर्ज़ी करवा लें। तो इसी के साथ फिर आज का व्लॉग का एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।